वो अगर कैच हो जाता, वैसे हम बात करते हैं हमेशा कि कैचेस विन मैचेस, वो अगर वो कैच हो जाता तो शायद नतीजा कुछ और होता, पर अगर वही कहते हैं ना, अगर मगर होता नहीं है, बट जो होता है वो यही हुआ है कि वो कैच छूटा जिसके चलते हुए पाकिस्तान ने ये मैच जीता है। एक मैच भारत ने जीता, एक पाकिस्तान ने जीता। दोनों टीमें जब जब हम बात पहले भी कर रहे थे कि बराबर पे शुरू करती हैं, और देखिए मुकाबला भी कितना बराबरी का हुआ, और लास्ट में ऑफ कोर्स पाकिस्तान देवर द बेटर टीम टुडे, बट कोई बात नहीं, होपफुली हम फाइनल में मिलेंगे इनको और फाइनल में धूल चटाएंगे इनको। फाइंड रहते 6 विकेटों से श्रीलंका ने भारत को हरा दिया। हरभजन सिंह जी, हम तो ये बात कर रहे थे कि भारत फाइनल भी जीतेगा, वर्ल्ड कप भी जीतेगा, लेकिन एक पुरानी बीमारी वापस आई है। बायलैटरल क्रिकेट एक तरफ, किसी टूर्नामेंट के लीग मैचेस एक तरफ, लेकिन जैसे अब मस्ट विन नॉकआउट मैचेस में आते हैं, शाम सूख जाता है टीम को। देखिए, ये निराशाजनक प्रदर्शन जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं, और जैसी टीम थी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी कि ये टीम बाकी टीमों से अगर ऑन पेपर देखें तो बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है, पर ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आई नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान से भी हारे, और अब आज श्रीलंका से हारने के बाद जैसे आपने कहा है कि लगभग लगभग इस टूर्नामेंट से भी तकरीबन बाहर हो गए हैं। बहुत मिरेकल कोई होगा तो फिर जाके कोई आगे जाने का रास्ता मिलेगा, बट उसके लिए आपने मदद नहीं करी अपनी, तो आपको फिर दोबारा लोगों की मदद की जरूरत है कि वो इसको हरा दे, ये इसको हरा दे, और फिर हम फाइनल में पहुंच जाए। वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। आई थिंक क्रेडिट टू श्रीलंका, दे बैटेड ब्यूटीफुली, और जो पहले उन्होंने 10-12 ओवर में जो उड़ाया है वो काबिले तारीफ था। क्या बल्लेबाजी करी, दिखाता है कि इंटेंट वो T20 कैसे खेली जाती है। यहाँ पे हमारे साबिक भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को अक्सर पाक भारत टाकरे से कबल बड़ी बड़ी बातें और बड़के मारते देखा गया है। सुपर फोर में भी पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद उनका कहना था कि हम श्रीलंका और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे और फिर फाइनल में पाकिस्तान को दोबारा धूल चटाएंगे, मगर वो कहते हैं ना कि इज्जत तो जिल्लत देने वाली जात अल्लाह की है, और बिलाखिर वो हो गया जिसका भारतीयों ने कभी सोचा भी नहीं था। सुपर फोर के नॉकआउट मरहले में श्रीलंका के हाथों भारत को इबरतनाक और शर्मनाक शिकस्त खानी पड़ गई, जिसके बाद उनके एशिया कप का सफर तकरीबन यहीं खत्म हो चुका है। मगर सलाम है भारतीय फैन और साबिक खिलाड़ियों को, वो अब भी भारत के फाइनल में जाने के ख्वाब देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मगर ये तभी मुमकिन है कि जब अफगानिस्तान और श्रीलंका पाकिस्तान को हरा दें और इंडिया अपना आखिरी मैच अफगानिस्तान से बेहतरीन रन रेट से जीत जाए तो भारत फाइनल में जा सकता है। मैच से पहले भारतीय खिलाड़ियों के इतने तकब्बुर भरे बयान और बातें अक्सर उनकी टीम को ले डूबती हैं, क्योंकि गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है।